बिहार में 2019 के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कम सीट मिलने से नाराज रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा पासवान को एनडीए के कोटे से राज्यसभा भेजने का भी ऐलान हुआ। ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी और रामविलास पासवान साहब भी एनडीए के प्रत्याशी नाते इमीडिएट जो राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए के प्रत्याशी रूप में राज्यसभा में एनडीए की ओर से आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का दामन थामने के बाद एलजेपी ने जल्द सीटों के बंटवारे का दबाव बना दिया था। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद चिराग पासवान ने राहुल गांधी की तारीफ भी शुरू कर दी थी। विपक्ष को रामविलास पासवान के बहाने मोदी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कहा गया कि रामविलास पासवान राजनीति की हवा भापने में माहिर हैं, इसीलिए वो एनडीए से छुटकारा चाहते हैं। लेकिन अब रामविलास पासवान एनडीए में खुश हैं और 2019 में फिर से मोदी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। 5 साल से हम लोगों ने इस पौधा को सींचा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अगला जो चुनाव आएगा एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। बिहार में एनडीए के दलों के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान शनिवार को ही होना था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली भी पहुंच चुके थे लेकिन ऐन मौके पर ऐलान रविवार तक के लिए टाल दिया गया। नीतीश कुमार ने भी 2019 में एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया। मैं समझता हूं कि माननीय अमित शाह जी सोच रहे हैं कि 2014 वाले से ज्यादा जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि 2009 वाले से भी ज्यादा सीटों पर जीतेंगे और पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर इसके लिए सशक्त अभियान चलाएंगे। 2014 में बीजेपी ने बिहार में रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 22, एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 3 सीटों पर सफलता मिली थी। इस तरह एनडीए ने बिहार की 40 में से 31 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। 2014 में जेडीयू और आरजेडी के अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को बिहार में हुआ था। जेडीयू को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिली थी। अब जेडीयू के एनडीए में दोबारा शामिल होने के बाद बीजेपी को अपनी कई जीती हुई सीटें छोड़नी होंगी। 2 लोकसभा सीट वाली जेडीयू इस बार 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है कि कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। जाहिर है इसको लेकर तीनों दलों में अभी माथापच्ची होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।